फर्स्ट सेंचुरी इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस टूर इन बड़े बड़े रह जाते हैं, वार्नर का आज तक नहीं आया। जैसे आसमान से नोटों की बरसात होती है ऐसे रन तेज आए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसके पीछे जिम्मेदार है बैट्समैन, और अब जब बैट्समैनों की बारी आएगी और अगर वो इस पिच पे भी नहीं चलेंगे, सिर्फ चार आउट है, अगर इंडिया ने इन्हें सुबह आते ही ना विकेट ली तो ये इतना आसान नहीं है। पहले दिन ही आप ड्रा होगा कह रहे हैं, बातों से ऐसे लग रहा है कि शायद इंडिया मैच हार गया। टोटल हो गया पूरे दिन का अगर मिला के हम देखें 75-74 और फिर 106 रन, और ख्वाजा 100 करके अभी भी खेल रहा है, नॉट आउट है। और जैसे हमने आपसे पहले अर्ज किया था कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है लबुशेन की, स्मिथ की, लेकिन ख्वाजा एक ऐसा बैट्समैन है कि जिससे आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो स्पिनर्स के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेलता है और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी ही इज इक्वली गुड, और दिस इज़ व्हाट ही डिड टुडे। बहुत अच्छी शानदार एफर्टलेस किस्म की इनिंग्स खेली है उसने, और बेहतरीन जो कि देख के मजा। समटाइम्स यू हैव टू अप्रिशिएट अदर्स टू द वे दे बैट, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया की जो टॉप की टीम्स हैं उसमें से एक टीम है। तो बहुत बेहतरीन उसने बैटिंग की है, लेकिन हमने आपसे ये भी अर्ज किया था कि वैसे तो पहले दो मैचेस में ये ग्रीन मौजूद नहीं था, लेकिन ये ग्रीन जो स्टेबिलिटी देगा ऑस्ट्रेलिया को, वो फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो वैसा ऑलराउंडर नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट में तो ऑब्वियसली हैं जडेजा, अक्षर, अश्विन भी बैटिंग कर लेते हैं, व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स तो ग्रीन उनको अच्छी खासी स्टेबिलिटी देगा। अब देखिए मुसलसल मौसम भी दूसरा मैच है उसका, लेकिन वो स्टेबिलिटी इनको प्रोवाइड। और ये भी आपसे अर्ज किया था कि फास्ट बॉलर्स को आप इस गेम में से साइड पे नहीं कर सकते, दे विल बी टेकिंग 3-4 विकेट्स। इट्स नॉट लाइक द प्रीवियस पिचेस कि जिसमें से सिर्फ स्पिनर्स ही डोमिनेट करेंगे और फास्ट बॉलर सिर्फ मुंह देखते रहेंगे, और एक आधी विकेट अगर कहीं से निकल गई तो निकल गई। तो दो विकेटें शामी ने बहुत अच्छी, और ख़ास करके जो बोल्ड मारे दोनों ही, दैट वॉज अमेजिंग। तो अब बात करते हैं मौसम भाई से, पूछते हैं कि कैसा रहा पूरा दिन, ओवरऑल पूरे दिन का अगर सिनेरियो खींचा जाए तो व्हाट डज ही थिंक, कि ठीक है या ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे है या क्या मामला है, और बाकी जो मैचेस चल रहे हैं उस पर बात होगी। जी भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। पहले तो बहुत अच्छी, और उसने जिस तरह कार्ट विलिंग की तरह विकेट गया हैंड्स कॉम का, मजा आया। हैट्स ऑफ टू उस्मान ख्वाजा, फर्स्ट सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया, फर्स्ट सेंचुरी इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस टूर इन इंडिया, बड़े बड़े रह जाते हैं, वार्नर का आज तक नहीं आया, सेंचुरी ऑफ दिस टूर इन इंडिया, अनब्लिमिश्ड इनिंग्स है इसमें कोई शक नहीं है, शानदार खेल है और मजेदार खेल है। और देखिए 85 रन की अब तक की मैच की सबसे बड़ी, पहले स्मिथ की और इसकी थी 79 रन की, और अब वो स्मिथ की बहुत लकी विकेट मिल गई, वो ऐसे आउट ही, और पहली दफा मेरा ख्याल है 6 इनिंग्स खेला स्मिथ और 40 रन आज हो गया। और जो आपने ग्रीन के बारे में बात की है 110%, देखे कमाल कर दिया इस लड़के ने, तेज खेल रहा है, शॉटे मार रहा है। और उमेश यादव यार, आपने नया बॉल ले लिया 81वें ओवर में ही, आपने फौरन नया बॉल ले लिया, और कमेंटेटर भी कह रहे थे इट्स लाइक यू कॉट, कह रहे 125-126 की स्पीड नॉर्मली 140 से करता है भाईजान, जू ही नया बॉल आया, आप देखे इनका टॉप गियर लग गया, रनजे ऐसे आना शुरू हो गई जैसे आसमान से नोटों की बरसात होती है ऐसे रन तेज आए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं कोई शक नहीं। हालांकि पकड़ लिया था, दूसरा सेशन टोटली ऑस्ट्रेलिया के नाम था, तीसरे सेशन आते ही इंडिया ने पकड़ लिया, 79 की पार्टनरशिप के बाद स्मिथ गया, 19 रन की पार्टनरशिप के बाद हैंड्स कॉम 15-17 रन बना के, सिर्फ 4 आउट है, अगर इंडिया ने इन्हें सुबह आते ही, ये पहले दिन का ड्रा का जो कह रहा है ये तो कोई बात समझ में आने वाली नहीं है, और आज 5 विकेट गिरी हैं।